Praise the Lord, Mount Calvary Church, अजमेर YouTube चैनल से जुड़े सभी सब्सक्राइबर दर्शकों को आज की इस रविवार आराधना में जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में फिर एक और बार आप सबका अभिनंदन करते हैं। ये समय है हमारे लिए कि हम अपनी आँखों को बंद करें और रविवार आराधना को आरंभ करें। जीवित और महान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति, तारीफ, महिमा, प्रशंसा करते हैं सुंदर समय के लिए तूने हमारे जीवन में हमको दिया। हम मिट नहीं गए, ये तेरी महाकरुणा का फल है और प्रतिभोर तेरी करुणा हमारे को नया करती है। प्यारे खुदावन प्रभु जी, एक और दिन तूने हमारे जीवन में जोड़ा कि इसमें हम तेरी खिदमत करें, तुझसे प्यार करें, तेरी आराधना करें। और आज सुबह के समय में प्यारे खुदावन फिर एक और बार तेरे चरणों में आते हैं और इस प्रकार से प्रभु जी ऑनलाइन सर्विस में प्रभु जड़े हुए सभी विश्वासी गणों को, दर्शकों को, आराधकों को तेरे पवित्र सानिध्य में लाते। हमारा गाना बजाना, वचन का पढ़ना, सुनना और सुनाना सब तुझे पसंद आए और हम घटें और आप बढ़ें प्रभु, बस जीवन की इच्छा अभिलाषा यही है। इस सभा के विरोध में आने वाली हर अंधकार की शक्ति के प्रभाव को हम यीशु मसीह के नाम से प्रभाव रहित करते हैं प्रभु। प्यारे खुदावन तू काम कर, हमारे साथ हो, हमारी सहायता कर, मदद कर। धन्यवाद करते तूने हमारी प्रार्थना को सुना है, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू वेरी मच। ये समय होगा कि हम परमेश्वर की आराधना में जाएंगे और हम सब मिलकर क्वायर के साथ मिलकर प्रभु की आराधना करेंगे। हालेलुया। सो ये समय है कि हम प्रभु की आराधना में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? आमीन। आइए मिलकर परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते, जो सर्वशक्तिमान है, जो दयालु और जो कृपालु है, उस परमेश्वर को महिमा दे। आज के दिन के लिए हम प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएं, जो सर्वशक्तिमान है उसके नाम को ऊंचा उठाएं। हालेलुया, हालेलुया, तू ऊंचा हो प्रभु जी, ओ तेरी आराधना हो, पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। पवित्र अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु, तेरे सामने, तेरे सामने झुकते हैं, सजदा सजदा हम करते हैं, तेरे सामने, तेरे सामने झुक पूरी कृतज्ञता के साथ में सजदा हम करते हैं। ओ आत्मा और आत्मा और सच्चा से आराधना आराधना करते हैं, आत्मा और सच्चा से आराधना, हाथों को उठा के प्रियो, हमें यीशु के लहू की जरूरत है कि आज जो हम आराधना प्रभु को चढ़ाएं वो उसे ग्रहण योग्य हो, वो यीशु का लहू आपको मुझे धो के साफ कर दे, ताकि हमारी आराधना पवित्रता के साथ उसे चढ़ाई जाए।
वो आराधना यहोवा को ग्रहण योग्य होने पाए। शुद्ध जल तू छिड़क दे मन को मेरे बदल दे। सभी गाएंगे शुद्ध जल तू छिड़क दे ओ मन को मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी आत्मा से तू भर दे। पवित्र अति पवित्र मुझको मुझको अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। मुझको मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे लहू से वो पाक लहू से हमें धो के पाक साफ कर दे प्रभु। ये हमारे द्वारा चढ़ाई जाने वाली आराधना ये स्तुतियां ग्रहण योग्य होने पाए। हम सिद्धता की दौड़ में और कुशलता के साथ तेरे नजदीकी में दौड़ने पाए। हवा चारा लाबा ओ हालेलुया यीशु राजा। वो कहता है मत डर मैं तेरा यहोवा परमेश्वर हूँ तुझे संभालूंगा। इन विषम परिस्थितियों में उस प्रभु के वायदे हैं जो आपको मुझको संभालते हैं। हालेलुया वो प्रभु हमें संभालने वाला है। विषम परिस्थितियों में चला के ले जाने वाला प्रभु है। परिस्थितियां हमें डुबोने के लिए आती है हमें गिराने के लिए आती है लेकिन यहोवा परमेश्वर यदि हमारे साथ है तो हमें डरना नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि आपको मेरा परमेश्वर वायदों का सच्चा है। प्रेज द लॉर्ड। तेरे संग हूँ इधर उधर मत ताक। मत डर मैं तेरे संग हूँ इधर उधर मत ताक। मत डर मैं तेरे संग हूँ इधर उधर मत। प्रभु कहते हैं मत डर मैं तेरे संग हूँ इधर उधर मत ताक। मैं तुझे दृढ़ करूँगा तेरी मदद करूंगा। मैं तुझे दृढ़ करूंगा तेरी मदद करूंगा। मैं तेरा परमेश्वर हूँ तुझे संभालूंगा। मैं तेरा परमेश्वर हूँ तुझे संभालूंगा। मत डर मैं तेरे संग इधर उधर मत जा। मत डर मैं तेरे संग हूँ हाँ इधर उधर मत जा। जब तू जाए जल में होकर
नदियां तुझे डुबा नहीं सकेगी, जब तू जाए आग पर लौ जला नहीं सकेगी, जब तू जाए जल में होकर नदियां डुबा ना सकेगी, जब तू चले आग पर भी लौ जला ना सकेगी। सभी गाएंगे, जब तू जाए जल में होकर नदियां डुबा ना सकेगी, जब तू चले आग पर भी लौ जला ना सकेगी, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, तुझे तुझे संभालूंगा। हालेलुया, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, तुझे संभालूंगा, मत डर मैं तेरे संग। हालेलुया, इधर उधर मत रिमशातर नमा, मैं तेरे संग इधर उधर मत जा। गोरंकार भरी वादियों में होके जाए तो डरने का नहीं, क्योंकि यहोवा साथ है। जब तू जाए वादियों से हो अंधकार भरी, उठा के बाहों में तुझको मैं चलूंगा तुझे लेकर। जब तू जाए वादियों से हो अंधकार भरी, उठा के बाहों में तुझको मैं चलूंगा तुझे लेकर, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, तुझे संभालूंगा। मैं तेरा परमेश्वर हूँ, तुझे संभालूंगा, मत डर मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत जा। मत डर मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत जा, ओ मत डर मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत जा, ओ मत डर मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत जा। जब तू बड़े मुश्किलों में तू पड़ा ना रहेगा, उसका वायदा है, पकड़ के हाथों से तुझको मैं खड़ा करूंगा। जब तू बड़े मुश्किलों में तू पड़ा ना रहेगा, पकड़ के हाथों से तुझको मैं खड़ा करूंगा। मैं तेरा परमेश्वर हूँ, तुझे संभालूंगा, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, तुझे संभालूंगा, मत डर मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत जा। हालेलुया, मत डर मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत जा, इधर उधर मत जा, इधर उधर मत जा, इधर उधर मत जा। हालेलुया, वो परमेश्वर है जो कहता है तुझे इधर उधर ताकने की जरूरत नहीं है मेरे बेटे मेरी बेटी, क्योंकि मैं तेरा यहोवा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे रचने वाला हूँ, मैं हूँ जिसने तेरे अंदर अपनी सांस को फूंका है, मैं तुझे संभालूंगा। मेरे प्रियो, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, यहोवा कहता है मैं तुझे संभालूंगा, मैं तुझे उठा के चलाऊंगा, मैं तुझे हाथ पकड़ के चलाऊंगा। ऐसे वायदे प्रभु को क्यों करने पड़े, और कि विश्वासी जीवन में भी कष्ट मुसीबत और परेशानियां आएंगी, लेकिन उन परेशानियों में हाथ पकड़ के पार आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर लगाएगा। हालेलुया, जब तू गिरने लगेगा मैं तुझे पकड़ूंगा, इसका मतलब है चांसेस होंगे, परिस्थितियां आएंगी, राहों में कांटे आएंगे, लेकिन उसका अनुग्रह आपके और मेरे साथ रहेगा। ऐसा महान परमेश्वर आपका और मेरा है, ऐसा सामर्थ्य परमेश्वर आपका और मेरा रचने वाला है। घोर अंधकार भरी वादियों से होके जाना पड़े, इस पैंडेमिक टाइम से हम गुजर रहे हैं जब कोरोना का प्रभाव चल रहा है, चलने दे, कुछ भी होता रहेगा, आपका और मेरा परमेश्वर आपको मुझको संभाल के चलाता रहेगा, उसकी सुरक्षा आपको और मुझको मिलती रहेगी। रिखा बारा नमस्ते, हालेलुया। जो यहोवा की बाट जोते रहेंगे मेरे प्रियो,
वो उकाबों के समान आकाश में उड़ेंगे। हालेलुया। ओ जो यहोवा की बाट जोहते हैं, जो यहोवा की बाट जोहते हैं, उकाबों के समान उड़ेंगे आकाश में, उकाबों के समान उड़ेंगे आकाश में, जो यहोवा की, जो यहोवा की बाट जोहते हैं, जो यहोवा की बाट जोहते हैं, उकाबों के समान उड़ेंगे आकाश में, उकाबों के समान उड़ेंगे आकाश में। अपने मार्ग की चिंताओं को प्रभु यहोवा को दे दे, दिल के सभी दुखों का बोझ यीशु मसीह पर उठेल दे। अपने मार्ग की चिंताओं को प्रभु यहोवा को दे दे, हाँ दिल के सभी दुखों का बोझ यीशु मसीह पर उड़ेल दे। वो तेरे मार्ग को सीधा करेगा, अपनी ज्योति तुझ पर चमकाएगा, तेरे मार्ग को वो सीधा करेगा, अपनी ज्योति तुझ पर चमकाएगा, उकाबों के समान उड़ेंगे आकाश में, उकाबों के समान उड़ेंगे आकाश में, जो यहोवा की, जो यहोवा की बाट जोहते हैं, जो यहोवा की बाट जोहते हैं, उकाबों के समान उड़ेंगे आकाश में, उकाबों के समान उड़ेंगे आकाश में। बोझ से दबे हुए लोगों यीशु पास आओ, छुटकारा वो तुम्हें देगा, अपनी शांति से भरेगा। हे बोझ से दबे हुए लोगों यीशु पास आओ, छुटकारा वो तुम्हें देगा, अपनी शांति से भरेगा। तेरे आंसू को यीशु पोछेगा, अपनी बाहों में तुझको उठाएगा, तेरे आंसू को यीशु पोछेगा, अपनी बाहों में तुझको उठाएगा, उकाबों के समान उड़ेंगे आकाश में, उकाबों के समान उड़ेंगे आकाश में, जो यहोवा की बाट जोहते, ओ यहोवा की, जो यहोवा बाट जोहते, हालेलुया, उकाबों के समान उड़ेंगे आकाश में, उकाबों के समान उड़ेंगे आकाश में, उकाबों के समान उड़ेंगे आकाश में, उकाबों के समान उड़ेंगे आकाश में। Yes Lord, thank you for your promises. ओ तेरे वायदों के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरा धन्यवाद देते हैं अब्बा। उकाबों के समान उड़ेंगे आकाश में, उकाबों के समान उड़ेंगे आकाश में। मेरे प्रियो, गीत का लेखक सुंदरता के साथ में इस बात को बखान करता है, जो यहोवा की बाट जोते रहेंगे, जो उसे चिपके रहेंगे, जो उसकी उपस्थिति में रहते रहेंगे,
जो पवित्रता के साथ चलते रहेंगे वो एक दिन उकाबों के समान आकाश में उड़ेंगे। जो बच्चा पिता के कहने में रहता है, जो आज्ञा पालन में रहता है, उसके लिए पिता स्वतः ही सारे काम करते हैं, अपने आप आगे से आगे उसकी चिंता करते हैं। यदि हम और आप परमेश्वर की आज्ञा पालन में रहेंगे, उसकी वचनों को पूरे करने में लगे रहेंगे, तो वो परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करेगा। बिना मांगे, मांगने से बेहतर आपको और मुझको देगा, ये उसके प्रॉमिस है। वो अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है, और जो पिता प्रसन्न होता है वो सारी चीजें, अपना सब कुछ अपने पुत्र को, अपनी पुत्रियों को देता है। आइए उस परमेश्वर को प्रसन्न करें, परमेश्वर को प्रसन्न करें, उसकी आराधना में खो जाए। प्रेज द लॉर्ड। सो आइए हम मध्यस्था की प्रार्थना में जाएंगे। एक अच्छी आराधना हमने अभी प्रभु को चढ़ाई है, हम मध्यस्था की प्रार्थना में जाएंगे। आइए प्रार्थना करें। पे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों करीब आते हैं। आज के दिन के लिए, इस समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। तेरी दया, तेरी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हम विनती और प्रार्थना करते हैं इस समय प्रभु जी, तमाम पिता परमेश्वर खुदाबा प्रभु जी, हमारे जितने भी नेता हैं उन्हें अब तेरे हाथों में सौंपते हैं। देश के राष्ट्रपति को पिता परमेश्वर, प्रधानमंत्री को, तमाम मंत्रिमंडल को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। तमाम जो अधिकारी हैं उन्हें हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। जो देश का संचालन कर रहे हैं उन्हें हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। हम विनती और प्रार्थना करते हैं तू इस समय में ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण कर प्रभु जी हर एक जन को, ताकि पिता परमेश्वर वे सभी खुदाबा प्रभु जी सही रूप से प्रभु इस देश का संचालन करने पाए प्रभु। जबकि इस समय में प्रभु हमारा देश प्रभु जी एक बार फिर से कोरोना की महामारी से ग्रसित है प्रभु। यीशु के नाम से हम विनती और प्रार्थना करते, तेरा अनुग्रह और तेरी दया का हाथ प्रभु जी पिता परमेश्वर, तेरा सूझबूझ, तेरी बुद्धिमानी पिता परमेश्वर, ज्ञान प्रभु हमारे इन देश के तमाम पिता परमेश्वर मंत्रिमंडल को, मंत्रियों को प्रभु जी, और प्रभु जी तमाम पिता परमेश्वर अधिकारियों को मिलने पाए, ताकि वे सही रूप से रोकथाम के लिए कदम बढ़ाने पाए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी उस बुद्धि और ज्ञान के लिए जिसके तहत टीका प्रभु जी, इस कोरोना का टीका प्रभु जी इस देश में मिलने पा रहा है प्रभु। परंतु हम प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर टीका बहुत प्रभावशाली रूप से लोगों के अंदर काम करने पाए प्रभु। हम विनती और प्रार्थना करते हैं इस समय प्रभु, हमारे इस प्रदेश को तेरे हाथों में सौंपते हैं। विनती और प्रार्थना करते हैं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और तमाम मंत्रिमंडल के लिए प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं तू सहायता कर, मदद कर प्रभु जी, कि तू उन्हें भी ज्ञान और बुद्धि दे, तमाम जो अधिकारी उन्हें तू ज्ञान और बुद्धि दे प्रभु जी, ताकि वे भी इस प्रदेश में प्रभु जी इस महामारी से प्रभु जी इस प्रदेश में रोकथाम करने पाए, बचाने पाए, तू सहायता कर प्रभु। हम विनती और प्रार्थना करते हैं इस समय प्रभु जी, हमारे कलीसिया में पाए जाने वाले तमाम लोगों को खुदा बाप तेरे हाथों में सौंपते हैं। हम विनती और प्रार्थना करते हैं सभी के तू संग और साथ रहो प्रभु। जितने बिजनेस करने वाले उनके बिजनेस को आशीषित कर प्रभु जी, जितने प्रभु जी नौकरी करने वाले उनकी नौकरियों को तो आशीषित कर खुदाबा प्रभु जी, बिजनेस बढ़ने पाए प्रभु जी, नौकरियां में प्रभु जी सफलता दे प्रभु जी, ऊंचे पदवी दे प्रभु जी, जिनके प्रमोशंस रुके हुए उनके प्रमोशंस मिलने पाए प्रभु जी, और उनकी कमाई में इजाफा होने पाए। जो हमारे बच्चे प्रभु जी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को लिख रहे हैं, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं उन्हें भारी सफलता मिलने पाए प्रभु जी। जो बच्चे पिता परमेश्वर हमारे कलीसिया के प्रभु जी वो बोर्ड एग्जाम्स को लिख रहे हैं प्रभु जी, सहायता करके उनके एग्जाम्स के दिन निकट हैं, उन्हें भारी सफलता मिलने पाए प्रभु जी। हम विनती और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, ओ खुदा बाप तू सहायता कर, मदद कर। जो बच्चे पास हो गए प्रभु जी, हम उन बच्चों के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जो प्रभु जी अभी तक रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं उन्हें हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनके रिजल्ट में तो उन्हें सफलता दे प्रभु। हम प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु जी, हमारे कलीसिया के लोगों को इस महामारी से तू बचा प्रभु जी, हर एक के संग और साथ रहे प्रभु जी। जो लोग ग्रसित हो चुके हैं पिता परमेश्वर, उनकी सार संभाल तू कर प्रभु जी, सूझबूझ दे पिता परमेश्वर, हर एक शारीरिक कमजोरी से तू बचा कर रख प्रभु जी, और अपने चंगाई और दया भरे हाथ को तू बढ़ा, छू करके पूर्ण रूप से चंगा कर, हम ऐसी प्रार्थना चाहते हैं प्रभु। हम विनती और प्रार्थना करते हैं समय में प्रभु जी, ओ तेरा अनुग्रह, तेरी दया प्रभु जी, ओ पिता परमेश्वर हर एक के ऊपर में होने पाए प्रभु जी। प्रभु जी जबकि लोग पिता परमेश्वर ऑनलाइन रूप से आराधनाओं में सम्मिलित हो रहे हैं, लोग कलीसियाओं में प्रभु जी इकट्ठे हो रहे हैं, हम विनती और प्रार्थना करते हैं जहां कहीं भी तेरा नाम लिया जा रहा है वहां तेरी भारी उपस्थिति
उपस्थिति होने पाए प्रभु जी, लोग प्रभु जी आत्मिकता के स्तर में उठने पाए प्रभु जी, बढ़ने पाए प्रभु जी। और हम विनती और प्रार्थना करते प्रभु जी, ओ हर एक खुदाम्बा प्रभु जी, तेरे नाम में पिता परमेश्वर परिवार का छोटा बच्चा, जवान, बुजुर्ग, स्त्री और पुरुष प्रभु जी तुझ में बढ़ते जाने पाए यीशु के नाम से। हम सभी पर तेरे नियंत्रण को कहते हैं प्रभु जी, तेरे अनुग्रह को कहते हैं, तेरी बढ़ती को कहते हैं प्रभु जी। तू सहायता कर, तू महान और दयालु, इसके लिए धन्यवाद करते हैं यीशु राजा, तू अद्भुत, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। तमाम जो पिता परमेश्वर प्रभु जी डॉक्टर्स और नर्सेस प्रभु जी, पिता परमेश्वर और कोरोना वॉरियर्स है प्रभु जी, जो इस समय में कोरोना से लड़ रहे हैं प्रभु, हम सहायता तेरी मांगते हैं पिता परमेश्वर। सभी को सूझबूझ दे प्रभु जी, सहायता का मदद कर। एक बार फिर से हम देखते हैं प्रभु जी, वेंटिलेटर्स कम पड़ने लग गए हैं प्रभु जी, पिता परमेश्वर बहुत तेरे लोग प्रभु जी इस कोरोना के प्रभाव से मर रहे हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं तेरा अनुग्रह सब पर होने पाए प्रभु जी, तू लोगों को बचा पिता परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर विनती और प्रार्थना करते हैं तमाम पासवान जो इस समय में कोरोना से प्रभावित हैं, यीशु तेरे दिव्य चंगाई उन्हें छूने पाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर पास्टर अरुज लाल और उनकी पत्नी के लिए कि तू उन्हें छू करके पूर्ण रूप से चंगा कर प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पास्टर मनोहर मसीह के लिए और पिता परमेश्वर उनके परिवार के लिए प्रभु जी, तू उन्हें छू करके उन्हें चंगा कर प्रभु जी। और भी जितने लोग पिता परमेश्वर इस समय में कोरोना पॉजिटिव हैं, यीशु के नाम से तेरी चंगाई को बोलते हैं, क्योंकि तेरा दिव्य सामर्थ्य लहू प्रभु जी इसीलिए बहाया गया है कि हम चंगे हो प्रभु जी। तेरा वचन कहता है तेरे कोड़े मखाए जाने के द्वारा हमने चंगाई को प्राप्त की है, उसी चंगाई को हम यीशु के नाम से मांग लेते हैं। सहायता कर, तेरी दया को मांगते हैं प्रभु जी, आगे की आराधना को तेरे हाथों में सौंपते हैं, तेरी उपस्थिति मांगते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। तो ये समय होगा कि हम जरूरी सूचनाओं को सुनेंगे, और जरूरी सूचनाओं में यही है कि अभी 30 अप्रैल तक जो ऑनलाइन सर्विस रहेगी, हर रविवार को सुबह 9 बजे हम आपके साथ रविवार या आराधना में 9 बजे शिरकत हासिल करेंगे, और जैसा भी और कार्यक्रम होगा उसको आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से और सूचना दे दी जाएगी। बीच में भी अगर हम इच्छा है हमारी कि हम आपके लिए साथ सभा करें तो ज़रूर व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आप बने रहें, हम आपको ज़रूर सूचना देंगे। थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू। कृपया लगातार हमारे इस परिवार को आप अपनी प्रार्थनाओं में उठाए रखें, जैसा आप सबको विदित है कि पूरे पिछले समय में हमारे इस कलीसिया के सीनियर पासवान प्रभु के पास चले गए, प्रभु को प्यारे हो गए, और उसके बाद उनका अंतिम संस्कार और उसमें आप लोगों ने सबने बहुत अच्छी रीति से भाग लिया। सब बातों के लिए, आपके प्यार के लिए, प्रार्थनाओं के लिए हम तहे दिल से एक और बार प्रभु को धन्यवाद देते हैं, आप सबको भी धन्यवाद देते हैं। और हम ये समय होगा कि एक विशेष गीत हम सुनेंगे, और इस विशेष गीत के दौरान अपनी भेंट और अपने दशमांश जो हमने प्रभु के लिए इकट्ठा किया है, प्रभु के लिए सोच के रखा है, उसको नजर करने का समय होगा। विश्वास के जीवन में मुझे किसका क्यों है डर, विश्वास के जीवन में मुझे किसका क्यों है डर। मुश्किलें होंगी, मित्र ना होंगे, ये है जीवन का सफर। मुश्किलें होंगी, मित्र ना होंगे, ये है जीवन का सफर। मेरे प्रियो, विश्वास के जीवन में मुसीबतें आएंगी, मित्र धोखा देंगे, कष्ट होंगे, परेशानियां होंगी, ये जीवन का सफर है। लेकिन देयर इज वन थिंग विच गिव अस पीस, एक बात है जो हमें शांति से भर देती है, एक बात है जो हमें आनंद से भर देती है, एक बात है जिससे हम प्रसन्न हो जाते हैं, वो है कि यीशु हमारे साथ है। यीशु मेरे साथ है सदा, मेरा शरण और गढ़ भी वो है,
यीशु मेरे साथ है सदा, मेरा शरण और गढ़ भी वो है, वो बड़ी सेना भी मेरे विरुद्ध आए मैं डरूंगा नहीं, बड़ी सेना भी मेरे विरुद्ध आए मैं डरूंगा नहीं। विश्वास के जीवन में मुझे किसका क्यों है डर, विश्वास के जीवन में मुझे किसका क्यों है डर, मुश्किलें होगी मित्र ना होगे, ये है जीवन का सफर, मुश्किलें होगी मित्र ना होगे, ये है जीवन का सफर, यीशु मेरे साथ है सदा, मेरा शरण और गढ़ भी वो है, यीशु मेरे साथ है सदा, मेरा शरण और गढ़ भी वो, बड़ी सेना भी मेरे विरुद्ध आए मैं डरूंगा नहीं डरूंगा, बड़ी सेना भी मेरे विरुद्ध आए मैं डरूंगा नहीं, सारपत हो करीत हो छाव के पेड़ की छाया हो, सारपत हो करीत हो छाव के पेड़ की, छाव के पेड़ की छाया हो, एलिया का परमेश्वर मुझको भी संभालेगा, एलिया का परमेश्वर मुझको भी संभा, यीशु मेरे साथ है, ताली बजा के मेरा चरण और गढ़ है, हालेलुया, यीशु मेरे साथ है सदा, मेरा शरण और गढ़ भी वो है, बड़ी सेना भी मेरे विरुद्ध आए मैं डरूंगा, हालेलुया, बड़ी सेना भी मेरे विरुद्ध आए मैं डरूंगा नहीं, ओ बड़ी सेना भी मेरे विरुद्ध आए नमस्ते रे रेवा, बड़ी सेना भी मेरे विरुद्ध, रमशदर नमस्ते रे रे बेबे, ओ अबा, बड़ी सेना भी मेरे विरुद्ध आए मैं डरूंगा नहीं, बड़ी, हर एक जन बोले अपनी परेशानियों को बताए, मैं डरूंगा नहीं मैं घबराऊंगा नहीं, ओ बड़ी देने वाले को, ओ आश्वासन देने वाले को, संभालने वाले की जय जयकार करे, जय जयकार करे, वो कहता है बड़ी सेना आने दो, फिरौन की सेना तुम्हें घेरे, डरना नहीं, मैं पार लगाने वाला परमेश्वर हूं, इन विषम परिस्थितियों में पार लगाने वाला केवल एक है प्रियो, केवल एक है, वो है जो असंभव को संभव कर सकता है, रेखा बनाना मैं, वो ही है जो मुर्दे को जिला सकता है, अपनी परेशानी को बता दे मैं डरूंगा नहीं,
मैं तेरे ऊपर चल के निकलूंगा, क्योंकि मेरे साथ वो परमेश्वर है जो इस ब्रह्मांड का रचयिता है। मेरे साथ वो परमेश्वर है जिसने मां के गर्भ में रचने से पहले मुझे में चित्त लगा लिया था। अभी हमने जो उठाई भी भेंट और दशमांश के लिए हम प्रार्थना करेंगे, आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं सुंदर समय के लिए। मनुष्य क्या है कि तुझे कुछ दे सकता है, लेकिन मनुष्य को तूने बहुत सारी आशीषों से नवाजा है, और प्रभु उन आशीषों को तू जो हमें देता है उसमें से कुछ भाग हम आपकी सेवा के लिए समर्पित करते हैं। इसे कबूल फरमा यीशु के नाम से, जिन देने वालों को हज़ार गुना तो लौटा देने वाला खुदा है, तो उनको लौटा दे। धन्यवाद करते हैं, तूने हमारी प्रार्थना को सुनी है। आगे की सभा को तेरे हाथ में सौंपते हैं, आने वाले वचन की सेवा तेरे हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, ये समय है कि हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएं, और जब हम परमेश्वर के वचन की ओर जाते हैं तो आज शाम मैं परमेश्वर के वचन में से उस आयत को आपके सामने रखूंगा जो हमें मिलती है पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसके 18 से 20 पद तक। पहला यूहन्ना 3 अध्याय और उसके 18 से 22 पद तक पढ़ेंगे, और वहाँ इस प्रकार से लिखा है, हे बालको, हम वचन और जीव ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। 19 पद में इस प्रकार से लिखा है, इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं और जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा उसके विषय में हम उसके सामने अपने अपने मन में मन को ढाढ़स दे सकेंगे। हे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष न दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है, और जो कुछ हम उससे मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते और जो उसे भाता है वही करते हैं। मेरे अजीजों, यहाँ आज सुबह में परमेश्वर के वचन में से एक बात आपको शेयर करना चाहता हूँ, परमेश्वर के सामने हियाव। परमेश्वर के सामने हमारा हियाव कब होता है? जब हम परमेश्वर के साथ आज्ञाकारिता के साथ, वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ, बहुत सारी बातें जो परमेश्वर हमें बोलता है उनको करते हैं, और जब हम उनको करते हैं तो हमें परमेश्वर के सामने जाने का, परमेश्वर से कुछ मांगने का बड़ा हियाव हमारे जीवन में रहता है। तो कई बार हम अपने हियाव को खो देते हैं। हियाव खोने का कारण क्या है? अनाज्ञाकारिता। लेकिन अगर हम आज्ञाकारिता में हैं, अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को जी रहे हैं, अगर हम अपने पिता की इच्छा को पूरा कर रहे हैं, अर्थात स्वर्गीय पिता की इच्छा जो हमारे जीवन से वो उसकी है वो पूरा कर रहे हैं, तो हमारे पास एक हियाव होता है। तो हियाव जो है वो जब आता है जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं। मेरे अजीजो, मैं यहाँ पर आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ पौलुस के जीवन की ओर, 2 तिमोथियुस और उसका 4 अध्याय और उसके 6 पद से 8 पद तक अगर अपन पढ़ेंगे तो वहाँ पर पौलुस बड़े हियाव के साथ इसको कह रहा है, जरा पढ़ेंगे हम। क्योंकि वहाँ लिखा है, क्योंकि मैं अर्ध किनाई उंडेला जाता हूँ और मेरे कूच का समय आ पहुँचा है। कूच का समय आ पहुँचा है इसका मतलब यह है,
मेरा इस दुनिया को छोड़कर जाने का समय आ गया है। मेरे अजीजों, ये जो पौलुस के आखिरी लम्हों का जो हियाव हमको यहाँ पर देखने को मिलता है, बादशाह ने उसके लिए एक ऐसा आदेश दे दिया है कि अब उसका उसकी गर्दन उसके सर से धड़ से अलग कर दी जाएगी, लेकिन उसके पास यहाँ पर एक हियाव हमें दिखाई दे रहा है और वो कह रहा है, मैं अर्थ की नाई उंडेला जाता हूँ, मेरे कूच का समय आ पहुँचा है। और वो सातवें पद में बोलता है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ और मैंने अपनी दौड़ को पूरा कर लिया है और मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। देखिए, इस एक आयत के अंदर तीन बातों का या जीवन में दिखाई दे रहा है। वो कह रहा है, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है, मैं नियम के अनुसार लड़ा हूँ और मैंने एक जो दौड़ शुरू की थी कुछ सालों पहले मसीह के साथ दौड़ना, वो दौड़ को भी मैं मसीह के साथ दौड़ा हूँ और दौड़ने में भी मैंने भली भांति नियम का पालन किया है और मेरे पास एक विश्वास जो मैंने मसीह यीशु पे किया है और मैंने मेरे विश्वास की रखवाली की है, कोई भी मेरे विश्वास को अलग नहीं कर सकता है। तो हम यहाँ पर पौलुस के हियाव को देख रहे हैं और आठवें पद में वो बोलता है, पढ़िएगा ब्रदर, भविष्य में मेरे लिए एक मुकुट रखा है। देखिए, यहाँ पर एक उसके पास एक आशा दिखाई दे रही है, उसके पास एक हियाव दिखाई दे रहा है कि वो उस मुकुट को पाने के लायक है। वो कह रहा है, मेरे लिए मसीह यीशु ने धर्म का एक मुकुट रखा है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे अब इन दिनों में मुझे ही नहीं वरन सब उसको प्यार करने वालों को जो उससे प्रेम करते हैं उन सबको वो देगा, वो मुकुट मुझे मिलने वाला है। यहाँ हम पौलुस के एक हियाव को देख रहे हैं, कितना जबरदस्त हियाव पौलुस की लाइफ में है। उसका विश्वास डामाडोल नहीं हुआ और वो कह रहा है कि वो मुकुट जो मेरे लिए परमेश्वर ने रखा है, मैं जाकर हियाव से मांगूंगा उससे। मेरे अजीजों, स्वर्ग जाने का भी एक हियाव होना चाहिए हमारे पास। मैं मेरे पिता के इस दुनिया से कूच कर जाने के बाद आज पहली बार रविवार आराधना में प्रचार कर रहा हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब उनका अंतिम समय था, अंतिम समय में उन्होंने किस प्रकार से अपनी दौड़ को पूरा किया और किस प्रकार से उनके पास एक हियाव था। आधे घंटे पहले उन्होंने हमें बता दिया, बेटा अब मेरा समय आ गया है और मैं जा रहा हूँ और देखो मेरे सामने कई स्वर्गदूत मुझे दिखाई दे रहे हैं, वो जो मुझे लेने आ गए हैं। तो इस प्रकार का जो वो जो वातावरण हमने देखा तो वो उनके अंदर एक हियाव को बता रहा है कि स्वर्ग का द्वार उनके लिए खुला है, स्वर्गदूत उनको लेने आए बड़े हियाव के साथ, बड़े निठाव के साथ, बड़े प्रेम के साथ, कोई बिना पीड़ा के अंदर रहते हुए वो दुनिया से कूच कर गए। तो मेरे अजीजों, हमारे पास एक हियाव होता है। जब हम एक अच्छी चाल चलते हैं तो पौलुस प्रभु के पास जाने से मुकर, वो मौत को जो है फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय और उसके 4 पद से 14 पद तक अगर अपन पढ़ेंगे तो वहाँ पर हमको पौलुस के अंदर वो जो बातें हैं हियाव एक दिखाई देता है। और मैं चाहता हूँ कि मैं इस वचन को आपके लिए पढ़ूँ, पर वो कहता है, पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ, यदि किसी को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे बढ़कर रख सकता हूँ। क्योंकि वो कहता है कि 8वें दिन मेरा खतना हुआ, मैं इज़राइल के वंश का हूँ, बिन्यामीन के गोत्र का हूँ
और इब्रानियों का इब्रानी हूँ, और व्यवस्था के विषय में कहो तो मैं किसी फरीसी से कम नहीं हूँ। उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया को सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो मैं निर्दोष था। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के लिए हानि समझ लिया, और वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ। देखिए यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट आया है पौलुस की लाइफ में, कि पौलुस अगर व्यवस्था की बात करें, दुनियादारी की बात करें, शरीर की बात करें, तो वो अपने शरीर पर भरोसा रख सकता था, लेकिन वो कह रहा है कि मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को मैंने हानि समझ लिया, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं के लिए हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, और जिससे मैं मसीह को प्राप्त कर सकूँ। मेरे अजीजों, नवे पद के अंदर अब और जाएंगे हम, और वहाँ लिखा है और उसमें पाया जाऊँ ने कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर है विश्वास करने के कारण और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने से करने पर मिलती है। आगे बढ़ेंगे, और मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को क्या करूं, प्राप्त करूं। क्या आप मेरे साथ हैं? उसके बाद वो कहता है वह ये मतलब नहीं है ताकि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं, वह मतलब नहीं है कि मैं पा चुका हूं कि सिद्ध हो गया हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं। देखिए यहां पर पौलुस जो है इस जीवन को एक दौड़ के रूप में प्रस्तुत कर रहा है, एक कुश्ती के रूप में प्रस्तुत कर रहा है, और वो कह रहा है कि मैं वह उस पदार्थ को पकड़ने के लिए जिसके लिए दौड़ा चला जाता हूं, जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। और हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं है कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल एक काम करता हूं कि जो जो बातें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की ओर बढ़ता जाता हूं, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे यीशु मसीह में ऊपर बुलाया है। मेरे अजीजों, यहां हम देखते हैं कि वो एक इनाम की बात कर रहा है, और इनाम उसे मिलेगा जो नियम अनुसार दौड़ेगा, इनाम उसे मिलेगा जो अपनी दौड़ को पूरा करेगा, इनाम उसे मिलेगा जो एक अच्छी कुश्ती को लड़ेगा, अपने विश्वास की रखवाली करेगा, अपने पिता को खुश करेगा, अनाज्ञाकारिता ना करके आज्ञाकारिता में अपने जीवन को व्यतीत करेगा, और उसके बाद वो उस इनाम का हकदार होगा, उसको उस इनाम को मांगने का भी एक हियाव होगा। मेरे अजीजो, आप स्वर्ग जाएंगे या नहीं जाएंगे ये आपका मन आपको बताएगा कि आप परमेश्वर के साथ किस प्रकार से चलते हैं। आपके पास एक याव होना चाहिए। आज सुबह मैं आपको बता रहा हूं कि आप परमेश्वर के सामने जाने के लिए अपने आप को तैयार करें ताकि जब उसका बुलावा आए हमारे जीवन में तो हमें इस दुनिया को छोड़ने में तकलीफ ना हो, क्योंकि इससे एक बेटर लाइफ, एक इससे एक बेहतर हेवन का जो अनुभव है, स्वर्ग का जो अनुभव है, आनंद जीवन का जो अनुभव है वो हमें मिलेगा। उसमें दुख नहीं होगा, उसमें कोई पीड़ा नहीं है, उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। मेरे अजीजों, उसको पाने के लिए हम दौड़े चले जाते हैं, और उसके बाद वो कहता है सो हम में से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखें, और यदि किसी को किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट करेगा। सो जहां तक तुम पहुंचे हो उसी के अनुसार अपने जीवन को चलाते रहो। मेरे अजीजों, फिलिपियों की पत्री में हम पौलुस के हियाव को देखते हैं, और हम यूहन्ना की पत्री के अंदर देख रहे थे उसके हियाव को देख रहे हैं। मेरे अजीजों, बहुत सारे और भी ऐसे प्रार्थना के योद्धा, विश्वास के योद्धा हैं जिनके पास एक हियाव था। और मेरे अजीजों, हमारे पास भी एक हियाव होना चाहिए।
देखिए, इस दुनिया में हम जब आते हैं तो हमारा नज़रिया ठीक होना बहुत ज़रूरी है। नज़रिए की बात है। मैं आपको पुराने नियम के अंदर एक गिनती के 13वें अध्याय के अंदर अगर अपन जाएं, तो गिनती के 13वें अध्याय में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वहां पर जो है मूसा ने जो है 12 लोगों को बुलाया, और 12 लोगों को बुला करके और उनको कनान का भेद लेने के लिए भेज दिया, जहां पर अभी दूसरी जातियों का लोगों का कब्जा है, और परमेश्वर कह रहा है कि उन जातियों से कब्जा लेकर मैं तुम्हें दूंगा और तुम जाओ। और वहां लिखा हुआ है कि वो उस देश का भेद लेने के लिए हर एक कुल के लोगों में से एक एक को चुना, 12 गोत्र थे और 12 लोगों को चुना, 12 लीडर्स मिलकर के जो है इस काम को करने के लिए गए। अब 12 जो है वहाँ गए, और जब उस देश को देखा उन्होंने, और देश को देखने के बाद जब वो वापस लौट के आए तो वहाँ की सुंदरता के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ के फल फ्रूट के बारे में, वहाँ के लोगों के रहन सहन के बारे में सब कुछ जानकारी करने के बाद जब वो यहाँ पर आए तो उन्होंने ये कहा कि भाई बाकी तो सब कुछ अच्छा है। गिनती के 13वें अध्याय को अगर अपन देखेंगे तो आपको वहाँ ये मालूम पड़ेगा कि वो कह रहे हैं कि हम वहाँ से जो फल लेकर आए, तोड़ के लेके आए, वो उसकी उपमा जो है हम किसी देश से नहीं कर सकते हैं। और वहाँ जो है वो 13:27 पद में लिखा है, तो उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया कि जिस देश में तूने हमको भेजा था हम उसमें गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती है, और उसकी उपज में से हम वहाँ से कुछ लेके भी आए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो देश उत्तम देश है। लेकिन आगे 28 पद में वो बोलता है परंतु, जब ये परंतु शब्द आ गया ना यहाँ पर, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परंतु में वो क्या बोलते हैं, परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं और उस नगर, उसके नगर गढ़ वाले हैं और बहुत बड़े हैं, और फिर हमने वहाँ अनाकवंशियों को भी देखा है। अनाकवंशी का मतलब है जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, बड़े कद्दावर लोग हैं। मेरे अजीजों, ये इन लोगों को देखकर, इनकी डील डॉल को देखकर, यहाँ पर जो है ये 10 लोग जो हैं, 10 लोगों का नज़रिया अलग है। और यहाँ पर अपन देखते हैं कि वो कह रहे हैं दक्षिण देश में तो अमालेकी बसे हुए हैं, और पहाड़ी देश में हित्ती, यबूसी और एमोरी बसे हुए हैं, समुद्र के किनारे किनारे और यर्दन नदी के तट पर कनानी बसे हुए हैं। और इस प्रकार से वो कहता है कि वहाँ की स्थिति बड़ी दयनीय है, मतलब बड़ी वैसी है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि जो 12 लोग गए, 12 में से 10 का नज़रिया ये है, 10 का नज़रिया नकारात्मक है। 10 लोग उनको देख रहे हैं जो सामने खड़े हुए हैं, लेकिन ये कालिब, 30 पद में अगर अपन देखें, तब कालिब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप करने की मंशा से कहा, हम अभी चढ़कर उस देश को अपना कर लें, निस्संदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। सकारात्मक सोच। और कालिब के अंदर हियाव दिखाई दे रहा है। कालिब के अंदर हमें यहां पर एक बड़ा हियाव दिखाई दे रहा है। ये जो 2 लोग हैं इनका नजरिया अलग है, और ये जो 10 लोग हैं इनका नज़रिया अलग है। अलग अलग नज़रिए के लोग हैं। 10 लोगों का अपना एक ग्रुप है जो नकारात्मक सोच पर उतरा हुआ है, लेकिन 2 लोग हैं जो एक मन होकर के सकारात्मक हैं, और वो कह रहे हैं कि वो हमारे परमेश्वर के सामने, हमारी परमेश्वर की शक्ति के सामने कुछ भी नहीं है।
और कालेब और जो यहोशू हैं इनका स्टेटमेंट यहां पर अपन देखते हैं कि पर वो जो 31 पद को पढ़ रहा हूं मैं आपके लिए, पर जो पुरुष उनके संग गए थे उन्होंने उनसे कहा, हम उन लोगों पर चढ़ाई करने की शक्ति हम में नहीं है क्योंकि वो हमसे अधिक बलवान है। नजरिया, जब हमारा नजरिया सकारात्मक होगा तो हमारे पास याह होगा, लेकिन अगर हमारा खुद का नजरिया नकारात्मक है तो हम अपने याह को पहले ही खो चुके हैं। पर यहोशू और कालेब तुरंत बोले और उन्होंने इसराइलियों के सामने उस देश की देश का जिसका भेद लेने उन्होंने गए थे यह कहकर निंदा की कि वह देश जिसको भेद लेने के लिए हम गए थे अपने निवासियों को निगल जाता है और जितने पुरुष हमें वहाँ देखे हैं सबके डील डॉल बड़े हुए हैं, परंतु फिर निपोलों फिर वहाँ से वो निपोलों का अर्थात नपीली जाति वाले अनाक वंशियों को देखा, हम अपनी दृष्टि में तो उनके सामने टिड्डी के समान दिखाई देते हैं और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते हैं। ये जो 10 लोग हैं ये अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं अपने आप को भी और अपने परमेश्वर को भी, लेकिन ये जो 2 लोग हैं ये सकारात्मक हैं, इनके पास एक याह है, एक करेज है। और मेरे अजीजों यहां से मैं आपको आगे ले जाना चाहता हूं कि अगर अपन और आगे बढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि किस प्रकार से जब एक समय आया कि 2 लोगों की जो बात थी, अब आप बोलेंगे साहब जो भीड़ तो जो थी वो नकारात्मक थी लेकिन सकारात्मक 2 ही थे, लेकिन विजय हमेशा सकारात्मक लोगों की होती, ध्यान रखिएगा। और इन दोनों ने जनता को प्रजा को हिया बनाया और ये लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दिया और ये लोग उस देश में पहुंच गए। अब ये जब उस देश में पहुंच गए तो यहोशू जो था उस समय लीडरशिप में था और यहोशू ने सबको उनका अपना अपना भाग दे दिया। लेकिन शायद उस समय जब बंटवारा हो रहा था उस समय कालेब वहां नहीं था, लेकिन कालेब कुछ समय के बाद अपना हिस्सा मांगने गया। देखिए हिस्सा मांगने जाना या वो चीज जो प्रॉमिस में हमारे लिए हमको दी रखी गई है हमारे लिए उस वायदे की चीजों को मांगना, उसके लिए हियाव होना चाहिए हमारे पास। तो शायद वो यहोशू के पास जाकर कालेब जो है वो नहीं मांग सकता था, लेकिन कालेब के पास एक हियाव था और वो उस कालेब जो है यहोशू के पास गया। और मैं आपको पढ़ना चाहता हूं आपके लिए यहोशू की किताब उसका 14वां अध्याय और उसके 12 पद को आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। और वो कहता है 12वें पद में, बड़े हियाव से बोल रहा है यहोशू कालेब यहोशू से, इसलिए अब वह पहाड़ी मुझे दे दे जिसकी चर्चा यहोवा ने उस दिन की थी। तूने तो उस दिन सुना होगा कि उसमें अनाक वंशी रहते हैं और बड़े बड़े गढ़ वाले नगर भी हैं, परंतु क्या जाने संभव है कि यहोवा हमारे संग रहे और उसके कहने के अनुसार मैं उन्हें उनके देश से निकाल दूं। इस 12वीं आयत में यहोशू की उम्र के बावजूद यहोशू के अंदर एक हियाव दिखाई दे रहा है, वो उस पहाड़ी देश को जिसमें अभी भी अनाक वंशी रहते हैं
बड़े गढ़ वाले नगर हैं, परंतु यहोशू कह रहा है मुझे यकीन है कि मेरा यहोवा मेरे संग है और उसके कहने के अनुसार मैं उन्हें उस देश से निकाल दूंगा और उस पहाड़ी देश पर कब्जा करूंगा। मेरे अजीजों, उसने उसके कहे अनुसार उस पहाड़ी को उसको दे दिया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां जो यहोशू कालेब है, कालेब के बारे में थोड़ा सा आप अगर छठी आयत से पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि कालेब की एज उम्र क्या है। तब यहां लिखा है, छठे पद को पढ़ रहा हूं मैं, 14:6 को, यहोशू के, तब यहूदी यहोशू के पास गिलगाल में आए और कंजी युपन्ने के पुत्र कालेब ने उनसे कहा, तू जानता होगा कि यहोवा ने कादेश बढ़ने में परमेश्वर के जन मूसा से मेरे विषय में क्या कहा था। देखिए, उस वायदे को जो मूसा ने उस समय कादेश बढ़ने में किया था, उसको यहोशू को वो याद दिला रहा है। 7वें पद में लिखा है, जब यहोवा के दास मूसा ने मुझे उस देश का भेद लेने के लिए कादेश बढ़ने में भेजा था, तब मैं 40 वर्ष का था और मैं सच्चे मन से उसके तुम्हारे पास संदेश ले आया था। अब यहां मैं आपको क्वालिटी ऑफ कालिब बता रहा हूं। क्वालिटी थी कालिब के अंदर एक क्वालिटी थी कि पहली बात वो उम्र में 40 वर्ष का था, फिर उसके बाद वो कह रहा है मैं सच्चे मन से तुम्हारे पास संदेश लेकर आया, भेद लेने जब तुमने मुझे भेजा था तो मैं किसी से डरा नहीं, परंतु जो कुछ मैंने वहां देखा, जो कुछ मैंने वहां पाया, उसका बयान मैंने किया। और 8वें पद में हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं और वहां लिखा है, और जो मेरे साथी जो मेरे संग गए थे उन्होंने तो प्रजा के लोगों को निराश कर दिया। ही इज टॉकिंग अबाउट द 10 persons, उन 10 लोगों के लिए जो नकारात्मक सोच में गए थे, नकारात्मक नजरिए में आए और नकारात्मक नजरिए को लाकर के उन्होंने यहां तेरे सामने रखा, परंतु मैंने तो परमेश्वर यहोवा को की पूरी रीति से बात मानी। ये जो मैं कालिब की क्वालिटी आपके सामने बता रहा हूं, अगर यहोशू और कालिब सकारात्मक नहीं होते तो शायद यह 8वीं आयत किसी और प्रकार से लिखी हुई होती, परंतु मैंने तो अपने परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से बात को माना, पूरी रीति से सारे बातों के अनुसार चला, इसलिए आज कालेब के पास उस पहाड़ी देश को मांगने का क्या है, हियाव है। मैं भी आपको बताना चाहता हूं, इस दुनिया में जो दौड़ आप चल रहे हैं, जी रहे हैं, सकारात्मक दौड़ के साथ अपनी दौड़ को पूरा कीजिए, सकारात्मक सोच के साथ अपनी दौड़ को पूरा कीजिए, अंत में इनाम के आप हकदार होंगे और आप परमेश्वर के सामने खड़े हो सकेंगे और हियाव से कह सकेंगे, परमेश्वर वो स्वर्ग और वो कमरा, वो मकान कहाँ है मेरा, जिसमें जो तूने मेरे लिए बनाया है, मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया है, मैंने अपने कार्य को पूरा किया, मैंने अपनी कुश्ती को पूरा किया, लड़ा और मैं वापस अब तेरे पास आया हूं। मेरे अजीजों, परंतु मैंने परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से बात मानी, ये बहुत ही वंडरफुल बात है। इसी से ही आव आता है, पौलुस जब भी चला परमेश्वर के साथ, वफादारी और ईमानदारी, विश्वास योग्यता के साथ चला, इसलिए उसके पास ही आव है, उसको पता है कि इस दुनिया को छोड़ते ही मुझे स्वर्ग मिलने वाला है, वो ताज मिलने वाला है जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप मेरी बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं? हेलो, मेरे अशीसो, और भी अगर अपन पढ़ेंगे वहां पर देखेंगे, 9वें पद को अगर मैं आपके सामने पढ़ूं, तब उस दिन मूसा के विषय में शपथ खाकर उसने मुझसे कहा था,
तूने पूरी रीति से परमेश्वर यहोवा की बातों का अनुसरण किया है। मूसा भी इस बात की पुष्टि कर रहा है कि तूने पूरी रीति से परमेश्वर यहोवा की बातों का अनुकरण किया है। इस कारण निस्संदेह जिस भूमि पर तू अपने पांव रखकर आ गया है वो सदा के लिए तेरा और तेरे वंश का होगा। मेरे अजीजों, मेरे डैडी हमेशा एक बात कोट किया करते थे और वो आयत थी उत्पत्ति की किताब 26वें अध्याय उसके 5 पद में, परमेश्वर के वचन में। वहाँ इजहाक से परमेश्वर कहता है, तेरे पिता अब्राहम ने मेरी मानी और जो कुछ मैंने उसे सौंपा था उसने मेरी आज्ञाओं और विधियों का व्यवस्था का पालन किया, इसलिए मैं तुझे आशीष दूंगा। आशीष का कारण क्यों बने? इसलिए मैं तुझे आशीष दूंगा क्योंकि तेरे पिता ने मेरी बात मानी, तेरा पिता मेरे साथ नियम अनुसार विधि अनुसार चला। मेरे अजीजों, यहां पर हम देखते हैं कि यहोशू और कालिब के विषय में जो मूसा बोल रहा है, यहोवा की बातों का अनुसरण किया, इस कारण निस्संदेह जिस भूमि पर तू पांव रखकर आया वो तेरे और तेरे वंश की होगी। हालेलुया। उसके बाद हम देखते हैं 10 पद में लिखा है, और अब देख जब से यहोवा ने मुझसे मूसा से यह वचन कहा था वो 45 वर्ष पूरे हो चुके हैं। आफ्टर 45 ईयर्स, 45 साल के बाद वो काम जो उसने 40 साल की उम्र में किया था, उस 40 साल की उम्र के बाद एक लंबी यात्रा उसने परमेश्वर के साथ चली, किसने? कालेब ने। और अब वो कह रहा है कि अब मैं 85 वर्ष का हो गया हूं, 40 साल परमेश्वर के साथ उस वाचा को थामे हुए, उस वायदे को थामे हुए चलना वो कालिब जैसे ही कर सकते हैं। मेरे अजीजों, एक लंबी दौड़, 45 साल एक लंबी दौड़। मेरे पिता ने भी बहुत एक लंबी दौड़ को पूरा किया। मेरे अजीजों, जीवन के जब वो 37 साल की अवस्था में थे तब उन्होंने अपने प्रभु को ग्रहण किया, 90 वर्ष तक प्रभु के साथ चले। कितना एक लंबा समय उन्होंने परमेश्वर के साथ गुजारा। उस पीरियड में कई उतार चढ़ाव जीवन में आए लेकिन अपने विश्वास की रखवाली की, अपनी दौड़ को पूरा किया, अपनी कुश्ती को पूरा किया, उस शैतान पर विजय प्राप्त की और अंत में उनके पास एक हियाव था कि अब मैं अब कूच करके अपने पिता के पास जा रहा हूं। इसलिए उन्होंने जाने से पहले हमें बहुत सारी बातें बोली, मेरे लिए शोक मत करना, मेरे लिए रोना मत। मेरे अजीजों, ऐसी बहुत सारी बातें और हम उस बातों को आज भी याद करते हैं कि उन्होंने एक कालिब के समान एक लंबी यात्रा वायदे को पकड़कर, उस सकारात्मक सोच को पकड़कर, उस सकारात्मक वायदे को लेकर के कि एक दिन वो पहाड़ी का देश मुझे मिलेगा। लेकिन जब सबका बंटवारा हो गया तब भी कालिब को नहीं मिला था, लेकिन कालिब ने आकर यहोशू से क्लेम किया। मेरे अजीजों, क्लेम वही कर सकता है जिसके पास हिया हो, क्लेम वही कर सकता है जिसने सारे कायदे कानून नियम अनुसार अपना जीवन जिया हो। अगर कालिब ने भी परमेश्वर के साथ वफादारी और ईमानदारी के साथ जीवन नहीं जिया होता तो कालिब के पास भी हियाव नहीं होता।
बट कालिब के पास आज हियाव है, और मैं उस बात को याद करता हूँ कि वो कहता है अब मैं 85 वर्ष का हो गया हूँ। 85 वर्ष की अवस्था में तो यहोशू से उसे निवेदन करना चाहिए था, यहोशू ये पहाड़ी देश किसी और को दे दे, तू तो जानता है मेरी उम्र 85 वर्ष है और मैं पहाड़ पे कैसे चढ़ूंगा। पर वो आज की तारीख में भी, बुजुर्ग अवस्था में भी, 85 वर्ष की अवस्था में भी उस पहाड़ी का वायदा, उस पहाड़ी देश का वायदा जो मूसा के समय में यहोवा ने मूसा के द्वारा कहलवाया था कि वो पहाड़ी तेरी होगी। मेरे अजीजों, मैं यहां सिर्फ आपको ये बात कहकर उत्साहित करना चाहता हूं, अभी तो कोई पहाड़ी दिन हमको नहीं मिलने वाली है, बट हमारे सामने स्वर्ग है। हमारे लिए परमेश्वर ने एक वायदा किया है कि जो एक अच्छी दौड़ को दौड़ेगा स्वर्ग उसे मिलेगा, और स्वर्ग में तुम्हारे लिए एक मकान तैयार हो रहा है, वो तुम्हें मिलेगा। लेकिन मिलेगा किसे? जो कालिब के समान पूरे मन से याव के साथ, सकारात्मक सोच के साथ, पौलुस के समान सकारात्मक सोच के साथ अपनी दौड़ को पूरा करेंगे। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम यहोशू के समान, कालिब के समान सकारात्मक रहें। ये दो ग्रुप हैं यहां पर, दोनों ग्रुपों का नजरिया अलग अलग है, देखने का तरीका अलग है, अंदाजा अलग अलग है। ये 10 लोगों के पास जो नजरिया है वो नकारात्मक है, पर 2 लोगों के पास सकारात्मक है। ये जो 10 लोग हैं ये मनुष्य को देख रहे हैं, ये जो 2 लोग हैं वो परमेश्वर को देख रहे हैं। मेरा एक सवाल आपसे है, आप कौन से ग्रुप में हैं? कभी कभी हम लोग हमेशा भीड़ के साथ रहना पसंद करते हैं। कभी कभी हम बोलते हैं ओ इतने सारे लोग कोई झूठ थोड़ी बोल रहे होंगे। भीड़ हमेशा बेसलेस हो सकती है, ध्यान रखना। कई लोग भीड़ में रहना पसंद करते हैं, पर कई लोग छोटे झुंड में रहना पसंद करते हैं। यीशु मसीह ने कहा अपने देह के दिनों में, आए छोटे झुंड मत डर, क्योंकि पिता को भाया है कि तुझे राज्य दे। भीड़ को नहीं कहा, पर छोटे झुंड को कहा, सकारात्मक सोच रखने वालों को कहा, नियम अनुसार जीवन जीने वालों को कहा। यहां 2 ग्रुपों को मैंने आपके सामने रखा। एक वो हैं जिनके पास, जिनको परमेश्वर की शक्ति का अंदाज नहीं है, संख्या में बहुत है वो, परंतु उन्हें परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर के कार्य के विषय में जानकारी नहीं है। परंतु 2 लोग हैं जिन्हें मालूम है हमारा परमेश्वर महान है, सकारात्मक सोच है उनके पास, परमेश्वर की सामर्थ का अंदाजा है उनको, उनको पता है। और यह कालिब तो अभी भी बोल रहा है कि मैं निश्चित रूप से जाऊंगा और देश के अंदर उस पहाड़ी पे से जितने भी दूसरी जाति के लोग वहां रह रहे हैं सबको हटाकर परमेश्वर मुझे वहां पर स्थापित करेगा। मेरे अजीजों, क्या आप एक सकारात्मक सोच में जीवन जीते हैं? मेरे पिता हमेशा एक सकारात्मक सोच में जीवन जीते थे, अविश्वास करने वालों के साथ वो बैठते उठते नहीं थे, अविश्वास उनके जीवन में था ही नहीं, विश्वास के वो धनी थे और विश्वास के वो योद्धा थे। कार हो या ना हो पहले गैरेज बना देते थे। मेरे अजीजो, और परमेश्वर उनकी उस सोच को फुलफिल करता था। आओ हम आज अपने जीवन को परमेश्वर की वेदी पर रखें, आओ आज हम परमेश्वर के पास चलें। और जिस प्रकार से मैंने आपको शुरुआत में बताया
कि परमेश्वर के सामने जाने का जो हियाव होता है वो जब ही होता है जब हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं और उसके आज्ञाओं को मानते हैं। यहाँ लिखा हुआ है पहला यूहन्ना 3 अध्याय में मैं फिर आऊँगा और आपसे कहना चाहता हूँ, हे बालको हम वचन और जीभ से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें, हमारे वायदे खोखले ना हों। इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं और इस बात से हमारा मन हमें दोष देगा। जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा उसके विषय में हम उसके सामने अपने मन को ढाढ़स दे सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। हे प्रियो, यदि हमारा मन हमको दोष ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने जाकर खड़े होने का ही आव। कालेब के पास एक ही आव था, पौलुस के पास एक ही आव था, मेरे और आपके पास भी एक ही आव। और हियाव परमेश्वर के पास सामने खड़े होने का हियाव जब ही होगा मेरे प्रियो, जब हम उन सारे नियम विधि विधान परमेश्वर की इच्छा परमेश्वर के जो भी बातें परमेश्वर हमसे चाहता है वो हम पूरा करेंगे तो हमारे सामने एक हियाव होगा। हम हक से कह सकेंगे परमेश्वर वो जगह कहाँ है जो तूने हमारे लिए तैयार की है। यहोशू के पास जाकर कालेब ने कहा वो पहाड़ी देश जिसके विषय में मूसा के समय में मेरे साथ वायदा किया गया था वो पहाड़ी मुझे चाहिए। क्यों? कालेब परमेश्वर के साथ वफादारी और ईमानदारी से चला, हियाव था उसके पास, इसलिए उसने उस जाकर उस पहाड़ी पर क्लेम किया। मैं आपको बताना चाहता हूं आप भी अपने जीवन को इस रीति से जिए ताकि स्वर्ग पर जाकर क्लेम कर सके और कह सके प्रभु मैं एक अपनी दौड़ को पूरा करके आया हूं, मैंने एक अच्छी कुश्ती लड़ी है, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है और अब मैं तेरे पास आया हूं। स्वर्ग कहाँ है? मेरे स्तंभ मेरा वो स्थान कहाँ है जो यीशु ने हमसे कहा तुम्हारा मन ना घबराए, मेरे पिता के पास रहने के लिए बहुत सारा स्थान है, यदि ना होता तो मैं तुमसे पहले कह देता, परंतु मेरे अजीजों हमारे पास हियाव होना चाहिए। परमेश्वर के सामने खड़ा होने के लिए हियाव जब ही आता है जब हम वचन के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं, अपने विश्वास की रखवाली करते हैं, नकारात्मक लोगों के साथ नहीं बैठते, नकारात्मक सोच नहीं रखते, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों हम सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने वाले लोग हैं। और आज सुबह भी मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, हमारे पिता हमारे सीनियर पास्टर अपनी दौड़ को पूरा करके चले गए लेकिन आप और हम अब सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। सकारात्मक बने, नकारात्मक सोच को अपने जीवन से निकालें। डोंट अंडर एस्टिमेट योर गॉड, अपने परमेश्वर को छोटा ना करें, उसका हाथ छोटा नहीं है, उसका हाथ बड़ा है, वो अपनी बड़े भुजबल से काम करने वाला परमेश्वर है। मैं विश्वास करता हूं उस दौड़ को मसीही जीवन एक दौड़ है और उस दौड़ में मुझे और आपको दौड़ना है। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी दौड़ को पूरा कर गए, हम अपनी दौड़ को पूरा कर रहे हैं, आइए हम भी उस दौड़ में अंदर उस रीति से दौड़े कि इनाम पाए, हमारे पास भी ही आओ। प्रार्थना करें। हमारे दयालु स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरी तारीफ, तेरी प्रशंसा करते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु जो तूने हमारे जीवन में हमको दिया। प्रभु प्यारे खुदावन, प्रभु जी आज हमने देखा प्रभु जी कि परमेश्वर के सामने खड़े होने के लिए ही आओ हमारे पास जब आता है जब हमारे अंदर आज्ञाकारिता होती है तेरी इच्छा के अनुसार नियम अनुसार विधियों के अनुसार हम अपने जीवन को चलाते हैं प्रभु। अरे खुदावन प्रभु जी तब हम उस वायदे के देश में पहुंचेंगे प्रभु जी, जिस प्रकार से प्रभु पौलुस के पास एक याव था वो
मरने पर है प्रभु जी, और वो कह रहा है मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया, मैंने अपनी कुश्ती को पूरा अच्छी तरह से लड़ा है, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है, और मेरे पास मेरे सामने एक मुकुट रखा हुआ है जो मुझे और मेरे बाद परमेश्वर को प्रेम करने वालों के लिए भी वही मुकुट रखा है जो मुझे मिलने वाला है। प्रभु हम भी उस मुकुट के अधिकारी बने, और उसको बनने के लिए प्रभु हम वचन के अनुसार अपने जीवन को चिरे। हमने पुराने नियम से कालिब के जीवन को देखा प्रभु जी, कालिब पूरी रीति से तेरे विधि विधान नियम के अनुसार अपना जीवन जीने वाला, क्वालिटी जीवन जीने वाला व्यक्ति था प्रभु। 85 वर्ष की अवस्था में भी उसने उस वायदे को अपने जीवन में थामे रखा, उस पहाड़ी को मांग लिया उसने प्रभु जी, प्यारे परमेश्वर, क्योंकि उसके पास अभी भी एक करेज है, उत्साह से भरा हुआ है प्रभु जी। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तूने हमारी प्रार्थना को सुना है। कालिब के समान हमारा जीवन हो प्रभु जी, हम भी तेरे साथ वफादारी ईमानदारी के साथ जीवन जिए प्रभु जी, और अपनी दौड़ को पूरा करें, अपनी कुश्ती को पूरा लड़े प्रभु जी, अपने विश्वास की रखवाली करें प्रभु जी, वो इनाम के हकदार हों जो तूने हमारे लिए ठहराया है प्रभु जी, उस स्वर्ग के अधिकारी बने प्रभु जो हमारे लिए तूने तैयार किया है, और तू प्यार खुदा ऐसा करने वाला है। धन्यवाद करते तूने हमारी प्रार्थना सुनी है, सारी आदर सारी गौरव सारी महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रू की रिफाकत और शरागत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ हमेशा तक होती रहे, और हम सब बोलें आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु को धन्यवाद। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें, लाइक करें। साथ में यदि आप अपने प्रार्थना के निवेदन हमें भेजना चाहते हैं, अपने प्रार्थना टावर के नंबर स्क्रीन पर हैं, आप उनका इस्तेमाल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। दूसरी और अंतिम बात यह है कि यदि आप इस सेवकाई में हिस्सा लेना चाहते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करें, और आर्थिक तौर से मदद के लिए स्क्रीन के ऊपर हमारी बैंक अकाउंट्स की डिटेल है। आज का हदिया और भेंट दशमांश यदि आप हमें भेजना चाहते हैं तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करें, अन्यथा आप अपने पास उसे संभाल के रखें, जब भवन खुलेंगे तब आप भवन में लाकर जमा करा सकते हैं। अभी कुछ दिनों के लिए ऑनलाइन सर्विस ही रहेगी, भवन बंद कर रखे हैं, और आप अपने घर में रहें, हमारे लिए भी प्रार्थना करें और घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।